नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल की अध्यक्षता तथा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत के विशिष्ट अतिथि में मारवाही में आयोजित कार्यक्रम में अनुविभागीय दंड अधिकारी कार्यालय मारवाही का शुभारम्भ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मारवाही के लिए यह अत्यंत हर्ष एवं गौरव का क्षण है कि मारवाही में अनुविभागीय दंड अधिकारी कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला बनाने की बहुप्रतीक्षित मांग को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया और आज SDM कार्यालय के शुभारंभ से मारवाही के निवासियों को एक नई सौगात मिली है। अब मारवाही के निवासियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उनका कार्य शीघ्रता से हो पाएगा। उन्होंने कहा कि SDM कार्यालय स्थापित हो जाने से मारवाही क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मारवाही अनुविभागीय कार्यालय के शुभारम्भ से मारवाही क्षेत्र की जनता की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। मारवाही क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध तथा यह औषधियों वन्य संपदा की विविधता है। अनुविभागीय दंड अधिकारी कार्यालय के प्रारंभ होने से निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने निमधा में उप तहसील प्रारंभ करने की घोषणा की तथा मारवाही में नया तहसील कार्यालय निर्माण की घोषणा भी की। तो हम लोगों ने जो वादा किया था उसे पूरा करने की दिशा में हम लोगों ने अपनी सफलता प्राप्त ठीक है और भी करेंगे। ये विभागीय अधिकारी का कार्यालय खुल जाना इतनी जल्दी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ तहसील भवन का भी जो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है वो भी बहुत बड़ी बात है और इस तरह से राजस्व विभाग के जो काम हैं वो तो हो ही रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये नया जिला बना है और सबको पेंड्रा मारवाही गौरेला की ओर एक निगाह बनी हुई है। यहाँ का विकास हम सबके ऊपर है, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी के ऊपर है, जय सिंह जी के ऊपर, यहाँ के सांसद ज्योत्सना जी के ऊपर है। मैं इनको बाहर से ही देख रेख करते रहता हूँ तो पूरा आशीर्वाद है और भी जो काम होंगे जल्दी। सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले के गठन की क्षेत्रवासियों की मांग को राज्य सरकार ने पूर्ण किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई इस सौगात से नए जिले में विकास के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि SDM कार्यालय के शुभारंभ से विकास की गति तीव्र होगी। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रभारी श्री जय सिंह अग्रवाल ने कुछ दिन पूर्व मारवाही भ्रमण के दौरान नए अनुविभागीय की घोषणा की थी जिसका बहुत जल्द अमली जामा पहनाकर आज शुभारम्भ हो रहा है। वन संपदा से परिपूर्ण एवं नैसर्गिक सुंदरता की हरी चादर ओढ़े इस अनुविभागीय की अंतर्गत एक उप तहसील के साथ साथ 4 राजस्व निरीक्षक मंडल, 34 पटवारी हल्के एवं 86 राजस्व ग्राम मारवाही अनुविभागीय बनाने पर शासकीय कार्यालयों में कसावट आएगी तथा क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। गोरेला से तनवीर आलम का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं नेहा। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए अभी ही छत्तीसगढ़ विजन के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।